वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई थर्टी सेवन प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट एसेट्स में इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे तो प्रोविजन जो है इसकी डेफिनेशन है अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट यानी टाइमिंग अनसर्टन हो सकती है अमाउंट अनसर्टन हो सकती है और बाद सिचुएशन में दोनों चीज़ें भी अनसर्टन हो सकती हैं और प्रोविजन एक लाइबिलिटी है अब इससे की कुछ एग्जाम्पल अगर डिस्कस कर लें तो आगे इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा तो प्रोविजन हो सकती है लिटिगेशन की लिटिगेशन से मुराद यह है कि अगर कोई हम पर एक लीगल केस फाइल कर देता है तो उसकी हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि जी हमें उस केस में पैसे देने पड़ें लेकिन कब केस का फैसला होगा टाइमिंग अनसर्टन है और कितने पैसे देने पड़ेंगे तो अमाउंट अनसर्टन है प्रोविजन फॉर वारंटी जब हम गुड्स अंडर द वारंटी अरेंजमेंट सेल करते हैं तो कुछ गुड्स जो हैं वो क्लेम में आती हैं वारंटी क्लेम में कि इनमें ये फॉल्ट है और इसको जो है वो ठीक करके देना है डिफेक्ट करेक्ट करके देना है तो वो कब आएगा हमारे पास वारंटी में फॉर एग्जांपल अगर एक साल की वारंटी दी हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो वन मंथ के बाद क्लेम हो जाए वारंटी के अंदर ये भी हो सकता है कि टेन मंथ्स के बाद वारंटी में क्लेम हो जाए और फिर मुख्तु प्रोडक्ट के अंदर मुख्तफ़ किस्म के जो है ना डिफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से जो उन पर अमाउंट लगेगी वो भी अनसर्टन होती है प्रोवीजन फॉर इन्वायरमेंटल क्लिनप बाजूत लीगल ऑब्लीगेशन होती है कैंटिटी की कि उन्होंने जो इन्वायरमेंटल पोलूशन कॉज की है उसको उन्होंने क्लीनअप भी करना है तो इसकी अगर टाइमिंग समटाइम्स सर्टन हो भी सही कि वह दस साल बाद या बारह साल बाद क्लिनप करेंगे जो अमाउंट है कि उस टाइम पर कितने पैसे लग रहे होंगे क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी किस तरीके से वो काम करेंगे तो अमाउंट के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है इसी तरह प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन और डिसमेंटलिंग के आपने एक प्लांट जो है इंस्टॉल किया है और लॉ के मुताबिक रिक्वायरमेंट है कि आपने उस प्लांट को आफ्टर यूज़फुल लाइफ डिसमेंटल करना है या जिस जगह पर आपने अपने प्लांट के ऑपरेशंस किए हैं उस जगह को आपने रिस्टोर करना है तो जिस तरह इन्वायरमेंटल क्लिनप का इशू था उसी तरह से रेस्टोरेशन और डिसमेंटलिंग में भी ये होता है कि अगर हमें टाइम कुछ हद तक अंदाजा हो भी सही कि यूज़फुल लाइफ कितनी है हमारे एसेट की हम स्टिल उस टाइम पर हमारी क्या अमाउंट्स लगेंगी उसको डिसमेंटल करने पे या रिस्टोर करने पर वो एक अनसर्टन एस्टिमेशन होती है तो प्रोविजन इज़ द लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट अब प्रोविजन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर हम अंडरस्टैंड करें तो दोबारा हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रोविजन इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट और यहाँ से पता चलता है कि प्रोविज़न एक लाइबिलिटी है अब लाइबिलिटी की डेफिनेशन जो है आई एस थर्टी सेवन में दैट इज़ अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्स इम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट यानी एंटिटी की ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट की वजह से राइज हो और उसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हो यानी उसको सेटल करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़े ये डेफिनेशन जो लाइबिलिटी की आई एस थर्टी सेवन में गिवन है ये चेंज नहीं हुई हालांकि टू थाउजेंड एटीन में जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया था उसके अंदर लाइबिलिटी की जो न्यू डेफिनेशन है दैट इज अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट तो इन सब्सटेंस तो डेफिनेशन तकरीबन तो सेम ही है थोड़ा सा इसमें अगर डिटेल डिस्कशन में जाएं तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है क्लैरिटी है न्यू डेफिनेशन के अंदर बट आई एस थर्टी सेवन के अंदर लाइबिलिटी की डेफिनेशन को चेंज uh, नहीं किया गया ओल्ड डेफिनेशन यूज़ हो रही है अब अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहाँ से क्रिएट होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक ऐसे पास्ट इवेंट की वजह से अराइज होती है जिसे हम ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब क्या है ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब है कि ऐसा इवेंट जो लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करे और वो ऐसी ऑब्लिगेशन हो दैट रिजल्ट्स इन एन एंटिटी हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटलिंग दैट ऑब्लिगेशन अगर आपके पास चॉइस है कि आप ऑब्लिगेशन को पे करें या ना करें तो वो फिर आपकी ऑब्लिगेसन नहीं है तो ऑब्लीगेशन वही होती है जिसमें आपको सेटल करने के अलावा आपके पास चॉइस नहीं है और जो इवेंट इस तरह की आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट करे चाहे वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करे वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहलाता है अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है तो लीगल ऑब्लिगेशन आई थर्टी में डिफाइन की गई है कि ऐसी ऑब्लिगेशन जो या तो कॉन्ट्रैक्ट से राइ दो चाहे वो एक्सप्रेस हो एक्सप्लिसिट या इंप्लाइड हो जैसे इम्प्लिसड टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की या लेजिस्लेशन से जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस की बेस पर अराइज हो रही हो या अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑर्डर की बेस पर वो अगर हमारी ऑब्लीगेशन बन रही है तो अगर ये तीन सोर्सेज होंगे तो उसे हम लीगल ऑब्लीगेशन कहेंगे फिर कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टि ऑब्लीगेशन का अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसी चीज जो लीगल ऑब्लीगेशन नहीं है लेकिन उसका इम्पैक्ट लीगल ऑब्लीगेशन जैसा ही है तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन को डिफाइन किया जाता है स्टैंडर्ड में A is an that from an ये से नहीं होती ये एक एंटिटी के एक्शन से राइज होती है बाय स्टैब्लिड पैटर्न ऑफ पास प्रैक्टिस एक एंटिटी पास में एक प्रैक्टिस कर रही है पब्लिड पॉलिसी और अ सफिशेंटली स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट अब इसकी सबकी एग्जाम्पल एक एक ले लेते हैं पास प्रैक्टिस है कि वो अपने कस्टमर्स को रिफंड दे देते हैं तो इस पास प्रैक्टिस से उनका एक एक्शन है जिससे कुछ वो वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करें या पब्लिश पॉलिसी है कि उन्होंने बाकायदा पब्लिश की हुई है एक पॉलिसी कि जो वन मंथ के अंदर चीज़ वापस आएगी तो वो उसको रिफंड कर देंगे या उनकी स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट है कि जो इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है वो उसको क्लीन अप करेंगे तो एक एन इस तरीके की सिचुएशन में एक एंटिटी अदर पार्टीज़ को ये इंडिकेट कर चुकी होती है कि वो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेगी एंड एज अ रिजल्ट एंटिटी एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देती है उन पार्टीज की कि वो अपनी उन रिस्पॉसिबिलिटीज को डिस्चार्ज करेगी तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में लॉ की तरफ से ऑब्लिगेशन राइज नहीं हो रही होती बल्कि एंटिटी के कुछ अपने ऐसे एक्शन होते हैं जिनकी बेस पर दूसरी पार्टीज की ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी गई होती हैं जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन राइज होती है अब अगर एग्जाम्पल देखें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल अ रिटेल स्टोर हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेजेज बाई डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स इवन दाउ इट इज अंडर नो लीगल ऑब्लीगेशन टू डो सो इट्स पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड इज जनरली नोन तो अब अगर वो एकदम अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं तो उन्हें काफ़ी इश्यू आएगा फेस करना पड़ेगा फ्रॉम देअर कस्टमर्स तो इसको अगर हम डिस्कशन करते हैं इस पर तो देट इज़ के आल दो देर इज नो लीगल ऑब्लीगेशन देर इज क्लियरली अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन बिकॉज द कंडक्ट ऑफ स्टोर हैज़ क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन अब कस्टमर एक वैलिड एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आइंदा भी जो वो स्टोर से परचेजेस कर रहे हैं उसमें रिफंड पॉसिबल होगा और यहां पर जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है वो है प्रोडक्ट का सेल होना जब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते तो आपको उससे रिलेटेड रिफंड करने की ऑब्लिगेशन भी नहीं होती अब जो प्रोविजन की टर्म है ये बाजू का डिफरेंट वे में यूज होती है आई एस थर्टी सेवन तो इसको डिफाइन करता है लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट लेकिन कुछ और कंट्रीज में और जिस तरह से हम समाइम्स बुक्स में देखते हैं तो हम टर्म्स देखते हैं कि ये डेप्रिसिएशन के लिए भी यूज हो रही होती है इम्पेयरमेंट के लिए भी यूज़ हो रही होती है और बाजूका डाउटफुल डेट्स के साथ भी यूज़ हो रही होती है और ये जो फिगर्स होती हैं जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट या डाउटफुल डेट ये एसेट की कैरिंग अमाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट के तौर पर रिकॉर्ड हो रही होती हैं और ये आई एस थर्टी सेवन में कवर नहीं होती तो अगर आप टर्म यूज़ करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो ये अप्रोप्रियट टर्म नहीं है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यू शुड यूज़ इक्यूमिलेलेटेड डेप्रिसिएशन इसी तरह प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट के बजाय यू शुड यूज़ इक्ुमिलटेड इम्पेयरमेंट और इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बजाय अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की टर्म आपको यूज करनी चाहिए नाउ लेट अस सी प्रोविजन की डेफिनेशन है कि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट तो प्रोविजन और अदर लाइबिलिटीज में क्या फर्क है तो प्रोविजन को दूसरी लाइबिलिटीज से जैसे ट्रेड पेबल्स और एकूवल से डिस्टिंग्विश किया जाता है अब प्रोवियन में जो मेन फैक्टर है वो है अनसर्टेनिटी का यानी या तो टाइमिंग अनसर्टन होगी या अमाउंट अनसर्टन होगी जो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में उसको सेटल करने में लगना है इसके मुकाबले में अगर हम ट्रेड पेबल को देखते हैं तो ट्रेड पेबल में आपने गुड्स और सर्विसेज के लिए पे करना होता है जिसमें इन्वाइस होती है और फॉर्मली एग्रीड होता है कि कितने पैसे देने हैं कब देने हैं उसमें अगर कोई फ़र्क आ भी जाता है तो कुछ दिन का डिफरेंस होता है या अगर कभी कभार कोई पेमेंट के अंदर वेरिएबल कंसिड्रेशन हो तो वो भी एक बहुत मामूली सा फ़र्क होता है जो कि इमटीरियल नेचर का होता है इसी तरह से एक्रूवल्स देखें तो एकूवल्स में भी आपने गुड्स या सर्विसेज के लिए पे करना होता है जिनकी इन्वाइस हो चुकी है या वो फॉर्मली एग्रीड हो चुके हैं या जैसे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है या कोई बिल पे करना है यूटिलिटी बिल वगैरह पे करना है तो इसमें बाजूकात एस्टिमेशन भी रिक्वायर्ड होती है लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें एक्रूवल और प्रोविजन का तो एकूवल्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कंपेयर टू प्रोविजन यानी अगर आप कहते हैं कि जी इस मंथ का हमने सैलरी पे करनी है और उसका अप्रूवल आप पास करते हैं तो सैलरी की अमाउंट कैलकुलेट करने में काफ़ी हद तक सर्टेनिटी होगी यू नो यूर एम्प्लाईज़ उनकी जो है बेसिक पे क्या है उनकी डिडक्शंस क्या होनी है उनकी टैक्सेशन कैसे आपने डील करनी है और ये सारी अमाउंट्स जो हैं वो एस्टिमेशन इसमें इन्वॉल्व अगर होगी भी सही तो वो बहुत ही Uh, कम होगी उसका जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड होगा इसके मुकाबले में प्रोविजन्स के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है फॉर एग्जांपल वारंटी के अंदर जो प्रोविजन हैं तो उसके अंदर आपके पास कब क्लेम आएगा यू डोंट नो क्या कैसा डिफेक्ट होगा जिसे ठीक करना पड़ेगा उसको ठीक करने पर क्या टाइम लगेगा क्या कॉस्ट लगेगी ये चीज़ें अनसर्टन होती हैं तो इसी बेसिस पर जो एक्रूवल्स हैं इनको तो ट्रेड पेबल्स के साथ ही रिपोर्ट किया जाता है ट्रेड एंड अदर पेबल का अक्सर हम जो है लाइन आइटम यूज़ करते हैं

only बाय द occurrence और नॉन occurrence ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ entity. तो ऐसी ऑब्लीगेशन जो प्रेजेंट नहीं है पॉसिबल है पास्ट इवेंट से राइज हुई है ऑब्लीगेशन होगी या नहीं होगी ये फ्यूचर में confirm होगा कोई ऐसा इवेंट अकर होने से या नॉन अकर होने से जो uncertain इवेंट है और वो हमारे कंट्रोल में इवेंट नहीं है उससे कंफर्म होगा कि हमारी obligation बनेगी या नहीं बनेगी एक इसकी एक टिपिकल example है गारंटी जब आप किसी के लिए गारंटी देते हैं तो अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी अगर वो डिफॉल्ट नहीं करेगा तो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी अब वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा ये एक फ्यूचर का अनसर्टन इवेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये इसकी अक्रंस जो है उससे ही कन्फर्म हो सकेगा कि हमारी ऑब्लीगेशन बनेगी या नहीं बनेगी इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है उसके बेसिकली टू पार्ट्स बन जाते हैं इस तरह हम बाजूकात कहते हैं कि तीन वे में कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो सेकेंड है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो यानी प्रोविजन वाली सिचुएशन हो राइजिंग फ्रॉम पास्ट ईवेंटो लेकिन उसे हम रेकेगग्नाइज ना कर सकते हो क्यों रेकग्नाइज़ ना कर सकते हो क्योंकि आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो फॉर एग्जाम्पल हमारा लिटिगेशन में एक केस चल रहा है और हम कहते हैं कि जी उस केस में हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे अल्टीमेटली तो बेशक हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जब हमारा आउटफुल ऑफ़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं होना तो हम प्रोविजन प्रोविनकेगनाइज़ नहीं कर रहे होंगे और प्रोविजन रेकेग्नाइज नहीं करेंगे लेकिन स्टिल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो हम देखेंगे कि हमें उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज करना होगा या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो और शायद प्रोबेबल आउटफुल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो लेकिन हम रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि अमाउंट कितनी है तो जब हमें अमाउंट ही नहीं पता तो प्रोविजन रेकगनाइज नहीं हो सकेगी इन दैट सिचुएशन भी हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करना होगा तो इनको जरा सा जो है एग्जाम्पल्स में देखते हैं हर पॉइंट को तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन की एग्जाम्पल हमने एक देखते हैं अ कंपनी हैज़ गिवन गारंटी फॉर लोन टेकन बाय इट्स एसोसिएटेड कंपनी द कंपनी मे और मे नॉट हैव टू पे द गारंटिड अमाउंट एज एसोसिएटेड कंपनी मे और मे नॉट डिफॉल्ट तो कंपनी को हो सकता है पे करना पड़े हो सकता है ना पे करना पड़े ये एक पॉसिबल ऑब्लीगेशन है ये प्रेजेंट ऑब्लीगेशन नहीं है फ्यूचर डिफॉल्ट के ऊपर कन्फर्म होगा कि हमारी ऑब्लीगेशन बनेगी या नहीं बनेगी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं होगा तो एग्जाम्पल फोर है कि अ कंपनी हैज नॉट कम्प्लाइड विद अ लीगल रिक्वायरमेंट तो लॉ की कोई जो कम्प्लायंस करनी थी वो नहीं की द लॉ स्टेट दैट पेनल्टी कैन बी अपू रूपीज वन मिलियन वन मिलियन तक की पेनल्टी लग सकती है हा अवर द लॉ इज नॉट इन्फोर्स स्ट्रिक्टली एंड इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द अमाउंट विल हैव टू बी पेड तो लॉ जो है वो इन्फोर्स नहीं होता उस ज्यूरिडिक्शन में स्ट्रिक्टली और ये प्रोबेबल नहीं है कि हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी यानी डिफ़ॉल्ट भी किया है एक सिचुएशन राइज भी हो सकती है लेकिन जनरली क्या होता है कि जो पेनल्टीज हैं वो रिवर्स कर दी जाती हैं बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती और यही हमारी अब भी एक्सपेक्टेशन है तो इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट अमाउंट विल हैव टू बी पेड तो ये भी एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है इसी तरीके से एक्जाम्पल फाइव हम देखते हैं जहाँ पर रिलायबल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होगी तो एक लिटिगेशन हमारी चलती है लॉयर्स ने एडवाइस किया है कि डैमजेस तो देने पड़ेंगे लेकिन कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं दिया जा सका बाय लॉयर्स के जी कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी तो प्रोविजन रेकेग्नाइज नहीं हो सकती तो हम फिर करेंगे। contingent asset. Contingent asset की जो है वो बिल्कुल जो है की जैसी है वहां पर ऑब्लिगेशन थी एसेट है पॉसिबल एसेट दैट राइज फ्रॉम इवेंट हुज एग्जिस्टेंस विल बी द ऑनलीस और नॉन ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी तो इसमें सिचुएशन आप ले सकते हैं कि जब हमने किसी पर केस फाइल किया हुआ हो या हमने कोई क्लेम फाइल किया हुआ हो और उसमें ये चांस हो कि हमें पैसे मिल सकते हैं हमें डैमेजेस मिल सकते हैं तो हमें पैसे मिल भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी मिले यानी पॉसिबल है और कंफर्म नहीं है तो इसको हम कंटिजेंट एसेट कहेंगे एग्जाम्पल सिक्स देखते हैं An entity filed a litigation लिटिगेशन one वन ऑफ इट्स वेंडर्स क्लेमिंग डैमेजेस rupees थ्री मिलियन फॉर सप्लाइंग the फॉल्टी गुड्स द कंपनी मे और मे नॉट विन द केस अब हमने केस फाइल किया हुआ है थ्री मिलियन डैमेज के लिए अगर हम जीत गए तो हमें पैसे मिल जाएंगे ना जीते तो हमें पैसे नहीं मिलेगे ये एक कंटीजेंट एसेट है तो डेफिनेशन अब हमने प्रोविजंस की और कंटीजेंट लाइबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट की कवर की और प्रोविजन और कंटीजेंट लाइब्रेटी में जो आपस में रिलेशनशिप है अब उसको डिस्कस करेंगे इन जनरल सेंस तो तमाम प्रोवियंस जो होती हैं वो भी अनसर्टन होती हैं और उनकी टाइमिंग और अमाउंट जो है वो अनसर्टन ही होती है और इस वे में उन्हें हम भी कह सकते हैं कि प्रोवियंस भी कंटीजेंट ही होती हैं लेकिन अंडर आई एस थर्टी सेवन कंटीजेंट को उन लाइब्रेटीज़ के लिए यूज़ किया गया है जो रेकग्नाइज नहीं होती क्योंकि वो रेकग्नेशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते अब अगर हम यहाँ पर एक कंपैरिजन देखें तो हमने ऑब्लिगेशंस को दो कैटेगरी में देखना है वो प्रोविजंस जिन्हें हम लाइब्रिटी के तौर पर रेकग्नाइज करते हैं और वो कंटीजेंट लाइबिलिटीज जिन्हें हम नोट्स में डिस्कलोज करते हैं प्रोविजंस जो हैं वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती हैं और ये तमाम रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रही होती हैं इसके मुकाबले में कंटीजेंट लाइबिलिटीज पॉसिबल ऑब्लीगेशन होती हैं जिन्होंने या तो भी कन्फर्म होना होता है या ऐसी प्रेजेंट ऑब्लीगेशन होती हैं जो अभी रेकग्नेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होती हैं तो इस वजह से हम उनकी प्रोविजन रेकग्नाइज नहीं कर सकते तो कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर देते हैं सो दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे